नमस्कार, मैं ऋतुप्रिया, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम हम हैं हिंदुस्तानी में, जहाँ हम बात करते हैं आपके मुद्दों की। तो जैसा कि आपने हमारे न्यूज़ में ये ज़रूर देखा होगा कि किस तरह गंदे पानी की जो समस्या थी, जो देवगढ़ वासियों को बहुत ज़्यादा परेशान करी थी, जो राघव सागर तालाब में जा गिर रहा था, तो उसी बात पर, उसी चीज़ पर जो नगर पालिका है वो अपने सुझावों, नगर वासियों के सुझावों के साथ एक प्लान रेडी करके आई है और उसका कार्य शुरू हो गया है। तो किस तरह पानी को फिल्टर किया जाएगा और किस तरह उसे डंपिंग यार्ड से मोटर की सहायता से बाहर निकाला जाएगा, इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे हमारे ग्राउंड रिपोर्टर के साथ। तो आइए देखते हैं हमारे साथ ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि लंबे समय से राघव सागर में गंदे पानी की समस्या का समाधान नगर पालिका द्वारा खोज दिया गया है और उसका कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूं कि यहाँ से पहले पानी जाता था उस नाले के द्वारा तालाब के अंदर, तो अब ऐसा फिल्टर किया है, यहाँ से इस पानी यहाँ से अगर जाने लगा रहे कि इससे जो भी थैली बोतल वोटल होगी वो इसमें रुक जाएगी। फिर ये सारा पानी आगे ऐसे चार फिल्टर लगाए जाएंगे जिससे जितनी भी गंदगी होगी वो यहाँ से यही रहेगी। फिर इस गंदगी को निकाल के दूसरी जगह फेंका जाएगा और जो भी पानी होगा वो वहाँ पे कुंड बनाया गया है जिसके अंदर पानी जाएगा और कुंड में मोटर के द्वारा पानी को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक स्थान है वहाँ पर मोटर के द्वारा भेजा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुंड बना हुआ है जिसमें गंदा पानी आकर यहाँ गिरेगा और यहाँ से मोटर के द्वारा इस पानी को 3 किलोमीटर दूर भेजा जाएगा जिससे ये पानी राघव सागर में जाने से बच जाएगा और जो गंदगी कितने सालों से हो रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर पाइपलाइन का अंतिम छोर है, यहाँ से ये पानी यहाँ से नाले द्वारा यहाँ से उस साइड से होता हुआ देवगढ़ से बाहर निकाल दिया जाएगा जिससे गंदगी वहाँ जो हो रही थी वो कम होगी और यहाँ से इस पानी का किसी न किसी रूप से उपयोग में लिया जाएगा। अगर ऐसा नगर पालिका करती है, यहाँ कोई फिल्टर लगाती है और फिल्टर के द्वारा पानी को सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकती है।